नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी इस समय अपने प्रदेश को निपुण प्रदेश बनाने में लगे हुए हैं और हमारे देश में निपुण भारत मिशन गतिमान है, उसी के क्रम में जो गतिविधियां हम संचालित अपने विद्यालय में अपने बच्चों को निपुण बनाने में क्रियान्वित कर रहे हैं, उनका लेखा जोखा रखने के लिए हमें एक रजिस्टर तैयार भी करना है। तो ये रजिस्टर किस तरह से तैयार करना है, ये हमारी एक शिक्षिका बहन नाजनीन अख्तर, शिक्षा मित्र प्राथमिक विद्यालय रायपुर मुवारी हथगांव फतेहपुर उत्तर प्रदेश द्वारा बड़ा ही सुंदर बनाया गया है। मुझे ये बहुत ही प्यारा एवं बहुत ही अच्छा लगा। मैं इसी आशा के साथ आपको इस रजिस्टर को प्रेषित कर रहा हूँ। आप इसकी PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में आइए देखते हैं इन्होंने ये रजिस्टर किस प्रकार से तैयार किया गया है। बड़ा ही सुंदर और प्यारा एवं क्रम वाइज इन्होंने रजिस्टर तैयार किया है। देखिए, इसमें सबसे पहले इन्होंने निपुण लक्ष्यों को समाहित किया है और शुरुआत कब से की इस तारीख को भी इन्होंने इसमें नोटिफाई किया है और बड़ा ही सुंदर इनका राइटिंग है। इसके लिए अवश्य ही इन्हें स्टार से नवाजा जाना चाहिए। आगे इन्होंने निपुण की फुल फॉर्म भी इसमें लिखी है और निपुण भारत मिशन 2025-26 तक ये पूर्ण होना है। इसके साथ ही इन्होंने ये कक्षा 2 का जो निपुण लक्ष्य है, मतलब निपुण रजिस्टर है, ये तैयार किया है निपुण भारत मिशन के अंतर्गत। आगे इन्होंने किस तरह से गतिविधियों को इसमें नोट किया है ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने देखिए पूरा जो समय है निपुण भारत मिशन कक्षा 1, 2, 3 का साप्ताहिक कार्य योजना को यहाँ पे क्रम वाइज तरह से दर्शाया। यहाँ पे कालांश हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8 कालांशों को इन्होंने इसमें समाहित किया है और इसमें दिवस भी यहाँ पे इन्होंने इस तरह से नोट किए हैं। दिवस 1, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम, और यहाँ पे किस तरह से किसको क्या पढ़ाया गया है, किस दिवस में क्या कार्य है, कितने मिनट में पढ़ाया जाना है, ये सारा इन्होंने बड़ा ही सुंदर तरीके से नोट किया है। आगे आइए देख लेते हैं कि इन्होंने किस तरह से नवीन आधारशिला संदर्शिका योजना को कक्षा में प्रयोग करके उसका किस तरह से नोट किया है अपने रजिस्टर में। देखिए, भाषा है, पहला कालांश मौखिक भाषा विकास, दूसरा डिकोडिंग एवं लेखन कार्य, तीसरा पठन कौशल, फिर 1 से 4 दिन तक दक्षता आधारित शिक्षण करना है, 5वें दिन पुनरावृत्ति और 6वें दिन आकलन व उपचारात्मक शिक्षण करना है। इसी तरह गणित में पहला अवधारणात्मक प्रकरण और अभ्यास, और दूसरा कालांश अभ्यास पत्र को प्रकार्य और तीसरा है अभ्यास गतिविधियां। इस तरह से इन्होंने इसमें नोट किया है और नीचे भी 1 से 4 दिन तक क्या कार्य करना है और ट्रैकर को भी इन्होंने इस तरह से यहां पे नोट किया है अपने रजिस्टर में। आपको भी मैं समझ रहा हूं कि ये बड़ा ही प्यारा और अच्छा रजिस्टर लग रहा होगा। और इन्होंने देखिए क्रियाकलाप किस तरह से वार्षिक ट्रैकर पे इन्होंने नोट किया है कि बच्चा जो है भाषा और गणित में किस तरह से ट्रैकर तैयार करना है, आपको ये भी इसमें इन्होंने दिखाया है। ये वार्षिक ट्रैकर 2022-23 का है, सप्ताह के अनुसार प्रत्येक सप्ताह का, क्योंकि ये 22 सप्ताह की कार्य योजना है तो हम इसे सारे को नोट करते जाएंगे। ये देखिए पूरे 22 सप्ताह का ट्रैकर है, ये साप्ताहिक आकलन ट्रैकर है भाषा का, प्रत्येक सप्ताह डिकोडिंग से
संबंधित आकलन एवं मौखिक भाषा विकास से संबंधित अवलोकन करें। बच्चों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्ज करें। समूह एक के बच्चों द्वारा लाए गए अंक पर गोला बना लगाएं एवं रेमेडियल कार्य करें। समूह दो के बच्चों के साथ पुनरावृत्ति अभ्यास कार्य करें। इन्होंने यहाँ ये भी नोट किया है और ये प्रत्येक बच्चे के लिए रिकॉर्डिंग और मौखिक ट्रैकर तैयार, इन्होंने रजिस्टर तैयार किया है। ये शाब्दिक आकलन ट्रैकर है भाषा का। इसमें आपको शाब्दिक आकलन करने के बाद आकलन ट्रैकर भरें और समूह का निर्धारण करें। बच्चों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्ज करें। समूह एक के बच्चों द्वारा लाए गए अंक पर गोला लगाएं। इसमें भी यही है। और अगर बच्चे लक्षित दक्षताएं प्राप्त कर पा रहे हैं उनके नाम के आगे सही का निशान लगाएं, और जो बच्चे लक्षित दक्षताएं प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उनके नाम के आगे चिन्ह लगाएं और उनके साथ अलग से कार्य करें। इस तरह से यहाँ पे अपना जिला, ब्लॉक और विद्यालय का नाम, कक्षा भी नोट करें, और ये बच्चों के नाम हैं और डिकोडिंग, मौखिक भाषा और टिप्पणी के लिए आगे यहाँ पे जगह दी गई है। बड़ा ही प्यारा रजिस्टर और क्रम वाइज और सुव्यवस्थित रजिस्टर इन्होंने तैयार किया है। ये देखिए साप्ताहिक आकलन ट्रैकर है, ये गणित के लिए। अब तक हमने भाषा का देखा था और ये गणित का ट्रैकर है। ये शाब्दिक आकलन ट्रैकर गणित का है उसी तरह से। तो इस तरह से हमने ये रजिस्टर निपुण भारत मिशन का देखा कि इन्होंने किस तरह से तैयार किया है। आप भी इसी तरह रजिस्टर तैयार कीजिए। ये बड़ा ही सुंदर और सुव्यवस्थित रजिस्टर है। इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगली वीडियो तक के लिए आप सभी को नमस्कार। फिर मिलते हैं।